यो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर वीडियो बनाने के लिए आ गया और इतनी वीडियो बना दूंगा इस धूप में, इतने तगड़े तगड़े स्टंट मार दूंगा इस धूप में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। सो गाइज, आज है 26 जनवरी और आज के दिन हमारी लोकशाही स्थापित हुई थी इस भारत पर, यानी कि हमारा देश प्रॉपर तरीके से इस दिन आज़ाद हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और आज सभी जगह पे सार्वजनिक सरकारी छुट्टी रहती है और सभी लोग अभी घूमने जाते हैं कहीं पर भी। सो आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन मैं इस ब्लॉग में अपने भंडारा की तरफ में हमेशा कुछ ना कुछ माहौल रहता है, यानी कि इस बार जैसे कि 26 जनवरी को बोलो या फिर 15 अगस्त को बोलो, हमेशा कुछ ना कुछ माहौल रहता है। तो आज मैं देखने जाऊँगा कि क्या किस तरीके का माहौल है। ये तो मेरा गाँव है, देख सकते हो ऊपर में झंडा भी, झंडे का फड़का भी हो चुका है काम। अभी हम आगे चलेंगे और भंडारा में देखेंगे कि क्या सीन है। चला तर मित्रांनो, एक्सप्लोर करूया भंडारा सिटीला बने रहे वीडियो के साथ में। अभी आगे चलते हैं और हमारी मराठी और हिंदी दोनों मिक्सचर रहती है, आपको तो पता है। नहीं। तो गाइस भूख लगी है हमको, थोड़ा सा पोहा वगैरह खा लेते हैं अनिल भाई के पास में, सबसे फेमस करी पोहा रहता है यहाँ का। आ गया पोहा। तो गाइस हमारा पोहा खाकर हो चुका है, अभी हम चलते हैं सीधा भंडारा में। पूछते कि अभी भंडारा हाईवे पे, ये नेशनल हाईवे है हमारा, ट्रैफिक किस कदर यहाँ पर जमी है, बहुत सारी गाड़ियों की लाइन है। और आज के दिन सभी लोग दूर दूर से घूमने वगैरह इसी स्पॉट पर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की संभावना यहाँ पर हमको बन जाती है। तो हम आगे चलते थोड़ा। तो ये है गाइस पुलिस हेडक्वार्टर, यहाँ पर पुलिस लाइन वाला एरिया है और यहाँ पर सभी दुकान वगैरह लगे रहते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर नए नए दुकान वगैरह लगे हैं जहाँ पर झंडे बेचे जा रहे हैं हमारे। चलो आगे चलो, बहुत ज़्यादा गर्दी है यहाँ से, थोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल जाता है और पुलिस वाले वगैरह रहते हैं। ये देख सकते हो पुलिस मुख्यालय है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ लगने के कारण पुलिस वालों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सब तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा दुकान भी लगे हुए हैं। चलो तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बाइक से ही। गैस बुके वगैरह है यहाँ पर, कुछ सॉन्ग्स लगाए जाते हैं। तो गाइस ये है त्रिमूर्ति चौक और यहाँ पर हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला भी है। बहुत से दुकानें यहाँ पर लगती रहती है जैसे कि हमारे फेवरेट गुपचुप वगैरह, तीन तीन चार चार ठेले यहाँ पर है लड़कियों के फेमस। हम मुर्गा देखना पड़ेगा गुपचुप खाने के लिए। तो यहाँ तक के हमारा माहौल रहता है और अभी हम चलेंगे आगे थोड़ा हमारे कॉलेज की तरफ कि क्या माहौल है वहाँ पर। तरह तरह की देशभक्ति आज के दिन सभी लोगों के दिल में जगती है और बहुत से लोग अपने हाथ में झंडा लेके गाड़ियों में झंडा लेके घूमते रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज के दिन सभी लोग जो ये झंडा लेकर घूमते हैं, तो अगर इस तरीके की देशभक्ति हमेशा अगर हमारे देशवासियों में रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, आज के दिन है ये लोग देशभक्ति ज़्यादा दिखाते हैं, अगर हमेशा रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस ये है हमारा कॉलेज, जेएमपीसी कॉलेज भंडारा। शायद सुबह सुबह ही हमारे कॉलेज का झंडा फड़का कर हो चुका होगा क्योंकि मैं तो गया नहीं आज। तो यहाँ तक के हमने देखा, यहाँ तक ज़्यादा माहौल नहीं है, पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा रहता था। और ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको नाश्ते का व्यवस्था मिलता है, मतलब चाइनीज़ वगैरह, चाइनीज़ बोलो बिरयानी बोलो, 101 आइटम यहीं पर ही मिलते हैं। सभी भंडारा के जो भी लोग घूमने आते हैं वो यहीं पर भी आते हैं, लेकिन ये जो आबादी जगह थी तो यहाँ पर जो आबादी यहाँ से उठाई गई है तो बहुत से दुकान यहाँ से हटाए गए हैं जो कि उनकी पर्सनल जगह नहीं थी। तो अभी हम लाइब्रेरी चौक से निकले हैं, अभी हम आगे चलेंगे, अभी चलेंगे हम गांधी चौक में कि देखते हैं गांधी चौक में किस तरीके का माहौल है। और ये तो अभी हम आए हैं साहित्य रत्न लोकशाही अन्ना भाऊ साठे चौक में।
तो गाइस अभी भंडारा गांधी चौक की शान बोले तो पांडे महल आपको दिखाता हूँ। ये है पांडे महल जो कि बहुत पुराना है, और पांडे महल ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, कहा जाता है कि ये शिवाजी महाराज के टाइम से है ना भाई। मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बहुत ही बड़ा है। तो अभी हम गांधी चौक में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो वो जो बड़ा खंभे में लगा हुआ बहुत ही बड़ा, यहाँ पे भंडारा का सबसे बड़ा बोल सकते हो झंडा यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, पूरे भंडारा डिस्ट्रिक्ट से ही बड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं पर ही बहुत ही बड़ा झंडा यहाँ पर ही लगाया गया है, जो किधर भी नहीं है। पहुँच चुके अभी आदर्श टॉकीज के पास में, और यहाँ पर पठान मूवी का शो कल से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी उतना ज़्यादा कुछ माहौल नहीं है, थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा, शायद मैं लेट आ गया हूँ। अभी हम आए गए इस बस स्टॉप पर, बस स्टॉप का भी माहौल देख लेते हैं। बस स्टॉप पर भी कोई भी माहौल मुझे उस तरीके का नहीं लग रहा है, रोज की तरह ये सिंपल। वैसे आज के दिन हमने देखा है जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त रहता है उस दिन सभी लोग व्हाइट कपड़े पहन कर आते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं आज के दिन। तो वैसे हम जहाँ से गए थे वहीं पर आ चुके हैं, अभी हम चलेंगे पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में बहुत से लोग घूमने आते हैं, देखते हैं, और वहाँ पर परेड वगैरह होती है जो कि सुबह सुबह ही होती है, तो मैंने मिस कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को। तो गाइस ये है पुलिस मुख्यालय, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आगे चलकर देखेंगे, सभी लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी गाड़ियाँ रखते हैं साइड साइड में और घूमने जाते हैं अंदर। तो गाइस ये देख सकते हो ये है पुलिस ग्राउंड, चलो अंदर चल के देखेंगे। गाड़ी रखते हैं यहाँ पर, लगा लेते हैं यहीं पे गाड़ी, और अभी अंदर चल गए। गाइस देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मुझे लगता है कोई ना कोई वहाँ पर शो चल रहा होगा, तो हम आगे चल के देखते हैं। और गाइज यही वाला वो ग्राउंड है जहाँ पर मैंने पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस, सॉरी पुलिस भर्ती का फॉर्म मैंने भरा था, तो ये वाला ग्राउंड है जहाँ पर मेरा गोला फेंक हुआ था, वहाँ पे मेरी रनिंग हुई थी, यहीं पर भर्ती की जाती थी। गाइज देख सकते हो यहाँ पर माहौल मुझे लग रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है लाखों की संख्या में, मुझे लगता है कुछ ना कुछ वहाँ पर शो हो रहा है, डांस वगैरह होंगे, चलो देखते। आगे चलना, देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और आज के दिन इंडिया में जो हमारे शहीद लोग रहते हैं उनको स्मृति को याद करके कुछ सॉन्ग्स वगैरह मनाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड सॉन्ग है यहाँ पर सॉन्ग। हमको दिखाई दे रहा है, और हमारे जो एसपी साहब है वो आगे बैठे हैं, और उनके सामने ये डांस प्रोग्राम चालू है। अरे हमारे जवान, ओ भैया जी, ए लक्षित ना दे दो तो गजब बेइज्जती है। ये बड़े एनएसएस वाले, एनसीसी वाले, अब ये ग्राउंड पूरा का पूरा खाली हो गया, सभी यहाँ पर जो प्रोग्राम थे वो सभी अभी एंड हो गए हैं।
और गाइस अभी ये जो NSS के लोग हैं ये लोग प्राइज जीत कर आए हैं, फर्स्ट प्राइज लाकनी मिलिट्री स्कूल के लोग, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में जितना कुछ स्पॉट मैंने आपको दिखाया है वहाँ पर वहाँ का माहौल वगैरह दिखाया है भंडारा का, बस इतना ही था। और सबसे ज्यादा माहौल इसी के पुलिस ग्राउंड में रहता है, जो कि अभी फिलहाल एंड हो गया है, सभी कार्यक्रम वगैरह खत्म हो गए हैं, जिन लोगों ने प्राइज वगैरह जीता है उनको मिल चुका है। अभी हम इस वीडियो को करते हैं एंड, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।